क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एंगल दोनों के बीच में है थीटा। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो रूल नंबर वन, अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर वेक्टर आएगा तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, और अगर स्केलर आएगा तो वो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस नी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि क्या है थीटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है साइन थीटा। लेकिन क्योंकि नंबर है ये तो मैग्नीट्यूड है, अपने को एंड में क्या लगाना पड़ेगा डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन आएगी। अब मान लो ये जो मैग्नीट्यूड है वो अलोंग एक्स एक्सिस आ गया तो पीछे क्या लगेगा आई कैप, अगर ये मान लो डायरेक्शन इसकी वाई एक्सिस के अलोंग आ गई तो जे कैप, और अगर जेड एक्सिस तो के कैप। तो अभी तो मुझे पता नहीं क्या आएगी, तो मैंने इन जनरल क्या लगा दिया एन कैप, कुछ भी हो सकता है एन कैप आई जे के कुछ भी। तो ये लगाना जरूरी है तभी माना जाएगा ये वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये फॉर्मूला है, इसको लगा के देखते हैं। जैसे आपके पास तीन किस्म के यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक। इसके अंदर अगर आप आई क्रॉस जे करें, आई क्रॉस जे करें, जबकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे क्या होता था जीरो, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज वन जे इज वन साइन ऑफ 90, साइन 91 होता है जीरो आंसर नहीं आएगा। लेकिन एन कैप क्या लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एन कैप के लिए आपने अपना राइट हैंड लेना है, लेफ्ट नहीं राइट, अपनी चार फिंगर्स को आपने आई कैप पे रख देना है, क्योंकि आपने क्या करना है आई क्रॉस जे, तो आई कैप पे रखो और चार फिंगर को जे तक लेके आओ आई क्रॉस जे। तो थंब कहां रहे बाहर, ये एक्स है ये वाई है और बाहर कौन सा एक्सिस है जेड, तो थंब किस एक्सिस की तरफ जा रहा है जेड, जेड एक्सिस को कौन सा कैप रिप्रेजेंट करता है के कैप, तो ये के कैप आएगा। तो ये थंब जहां जाएगा वो ये कैप आएगा। जैसे आपके पास कोई ये आई कैप है, ये आपके पास जे कैप है, चार फिंगर को आई से शुरू करना है जे तक, देखना थंब है, थंब कहां आ रहा है इधर इधर, इधर कौन सा कैप है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का मतलब के कैप। कई लोग ऐसे भी याद करते हैं जो मिसिंग वेक्टर है वो लगा दो, आई आ गया जे आ गया तो बच्चा क्या के आंसर आ गया, काफी लोग यही करेंगे, मैं भी ये करूंगा आई जे के। अब जैसे मान लो जे क्रॉस के, ये आपके पास जे है, ये बाहर की तरफ आपके पास के है, तो जे क्रॉस के चार फिंगर जे से स्टार्ट होंगी, क्रॉस के बाहर की तरफ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के थंब कहां आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब कौन सा कैप है आई कैप। कई लोग ऐसे याद करते हैं जे आ गया के आ गया मिसिंग है आई, आई लगा दो, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है के क्रॉस आई, के कहां पर है आपकी तरफ है, आई कहां पर है यहां पर है, तो के क्रॉस आई थंब कहां पर है ऊपर, ऊपर कौन सा कैप है जे, तो जे कैप मिसिंग वैल्यू के आई जे। तो रूल समझ में आ रहे हैं। तो इसको अगर हम इसको सॉल्व करें आई क्रॉस आई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज वन वन, एंगल बिटवीन आई एंड आई इज जीरो, तो आंसर इज जीरो, नल वेक्टर लिख दो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, जे क्रॉस जे जीरो के क्रॉस के जीरो, ठीक है। ये थंब रूल बेसिक रूल है, लेकिन याद करने का एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट में आप ये लिखें आई जे के, इसी ऑर्डर में लिखें, इधर ध्यान से देखें, अगर आई से क्रॉस जे किया जाए तो आंसर के आएगा, आई क्रॉस जे विल गिव के, फिर देखो इधर जे क्रॉस के विल गिव आई, के क्रॉस आई विल गिव जे आंसर। तो देखो ऑर्डर चेंज नहीं करना, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ये ज्यादा बेटर नहीं है, फटाफट आंसर आ गया, ये लगाने की जरूरत नहीं फिंगर। लेकिन अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, अगर आपने आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई किया, तो सोचो क्या होगा, आई क्रॉस जे में चार फिंगर ऐसे गई थी तो थंब बाहर आया था, जे क्रॉस आई में चार फिंगर जे से स्टार्ट होंगी आई तक, थंब इनसाइड जाएगा। तो अगर आउटसाइड जेड एक्सेस है तो इनसाइड माइनस जेड एक्सेस है, आउटसाइड अगर के कैप है तो इनसाइड माइनस के कैप है। तो आप ये तीन फॉर्मूलाज लिखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। तो अगर ऑर्डर उल्टा करना है उल्टा, तो यहां पर माइनस 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 आ जाएगा। तो ये छह फॉर्मूले तैयार हो गए, तीन याद करने हैं, याद भी यहीं से बन जाएंगे, ऑर्डर चेंज हुआ तो ये हो गया।
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है इसमें? ठीक, तो इसमें जैसे क्वेश्चन है, आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। अब कई लोग सोचते हैं ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए का मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे, बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे, साइन थीटा कहां से लाओगे? मुश्किल है, लंबा है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था ऐसे क्रॉस ले लेंगे, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर पुट कर देंगे, क्रॉस की जगह क्रॉस, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम ए बी साइन थीटा क्यों लगाएं? ऐसी जैसे डॉट प्रोडक्ट लिया था आई को आई के साथ ऐसी करें। तो देखो आई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे टू कॉन्स्टेंट आई क्रॉस आई, आई को इससे करेंगे माइनस आई क्रॉस जे, आई को इससे करेंगे टू इंटू आई क्रॉस के, जे को इससे करेंगे टू इंटू जे क्रॉस आई, जे को इससे करेंगे माइनस जे क्रॉस जे, टू इंटू जे क्रॉस के, फिर टू इंटू के क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे, टू बाहर आ गया के क्रॉस के। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? फिर वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूला चेक करें, आई क्रॉस आई जीरो होता है, आई क्रॉस जे जे होता है, आई क्रॉस के माइनस जे, सारी वैल्यूज पुट करके, तो वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा वेक्टर फॉर्म में, तो आंसर वेक्टर आ रहा है। काफी लोगों को ये मेथड पसंद नहीं आता, कितनी कंफ्यूजिंग है। डॉट ठीक था, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, ये लंबा है। हम ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बहुत लंबा है, मैं नहीं करता। इसकी जगह मेथड नंबर टू करेंगे, ये जबरदस्त मेथड है, बहुत आसान है। तो अगर आपने को ए वेक्टर बी वेक्टर सेम क्वेश्चन दे रहा हूं फिर से गिवन है और आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मेथड देख लो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आपने मैट्रिक्स बनाना है, ये मैट्रिक्स है, बना लिया। सबसे टॉप पे आपने लिखना है आई कैप माइनस जे कैप के कैप, जे नहीं लिखना माइनस जे, मैथ वालों का काम है ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स निकालना। वैसे तो ये टर्म पॉजिटिव होती है मैथ्स में, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोजीशंस होती हैं। वो क्यों होती हैं मैथ्स वाले सिखाएंगे, हमने याद करना है आई माइनस जे और के, राइट? क्लियर है? आपने क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो स्टार्ट विद आई कैप, तो लिखें आई कैप, ध्यान से पहले देख लें, मैं भी सॉल्व करवाऊंगा, देख लें आई कैप, इसकी लाइन में और इसके नीचे जो नंबर है वो मत देखो। तो क्या दिखेंगे? सिर्फ चार चीजें दिखेंगी आपको, चार नंबर दिखेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट होना है, यहां से पहले नंबर से, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को माइनस कर देना है। पहले आई कैप लिखा, ये नंबर छोड़ दिए, इसको इससे माइनस, फिर बारी है किसकी? जे कैप की, फिर लिखा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप के नीचे और इधर जो नंबर है सब छोड़ दो, चार नंबर दिखेंगे, एक दो तीन और चार। फिर यहां से स्टार्ट हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये रहा, ठीक। फिर बारी किसकी है? के कैप, ये छोड़ दो, चार नंबर दिखेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसे जरा सॉल्व करें, आंसर देखो कमाल है, वही आंसर आएगा जो ऊपर आया था अभी, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, कुछ करना ही नहीं है, आई माइनस जे के और अपना रूल लगाओ, आंसर लगा के देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड ए क्रॉस बी। कोएफिशिएंट्स ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ये वन 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 वन, बी वेक्टर का टू माइनस वन टू, टू माइनस वन टू, माइनस से कोई लेना देना नहीं इसका। तो ऐसे इसका कोफिशियंट क्या होगा? टू माइनस थ्री फोर, इसका वन फाइव और माइनस सिक्स। तो इसका मैट्रिक्स तो यही बनेगा, जिसमें अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, स्टार्ट यहीं से करना है हमेशा, ये आई कैप है, ये माइनस जी कैप है और ये के कैप है। ए वेक्टर का कोफिशियंट लिखो टू माइनस थ्री फोर, वन फाइव माइनस सिक्स। तो अब करो सॉल्व, इसका आंसर क्या आ रहा है?
इसमें ऐसे किया स्टार्ट विद आई कैप, आई कैप से स्टार्ट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे तो आपके पास चार नंबर दिखेंगे, एक दो तीन और चार। तो स्टार्ट करेंगे माइनस थ्री इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू फाइव, फिर स्टार्ट माइनस जे से करेंगे। माइनस जे में क्या करेंगे, माइनस जे के अंदर माइनस जे में इसको इसके नीचे के नंबर को छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो एक दो तीन और चार, ये चौथा नंबर क्या था माइनस सिक्स, ये रहा चार। तो क्या करेंगे टू इंटू माइनस सिक्स माइनस फोर इंटू वन, क्लियर है। और लास्ट के कैप, के कैप में क्या करेंगे ये छोड़ देते हैं तो टू इंटू फाइव माइनस माइनस थ्री इंटू वन। तो इसे सॉल्व करेंगे तो चेक करो आंसर क्या आ रहा है, टू आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस थर्टीन के कैप, क्या सबका यही आ रहा है, ठीक है। माइनस टू आ रहा है, माइनस टू आई कैप प्लस सिक्सटीन जे कैप, भाई ठीक है मैं तो चेक नहीं कर ये रहा, चेक कर लो माइनस का, ठीक है ठीक है ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई नहीं ठीक ओके। तो ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट।